सो वेलकम बैक टू कॉन्ट्रोवर्शियल गेम्स। आज मेरे पास इंटरेस्टिंग गेमर्स और यूट्यूबर्स की न्यूज़ एंड अपडेट्स है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आप ये इंश्योर कर ले कि आपने ऑल नोटिफिकेशन को ऑन किया है कि नहीं, क्योंकि अगर आपने नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। तो जिन्होंने ऑल नोटिफिकेशन को सेट नहीं किया तो ज़रूर से एक बार ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम बात करने वाले फ्री टूर्नामेंट के बारे में। तो फ्रॉलिक फ्री फायर अरेना होने वाला है, 8K का प्राइस पूल है, 960 स्लॉट्स बाकी है। डिस्क्रिप्शन के न्यूज कैरी सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाइपर ने एक रिकॉर्ड सेट किया, क्योंकि उन्होंने 8 आवर्स की स्ट्रीमिंग की है, और उन्होंने इंडिविजुअल रिकॉर्ड एक सेट किया क्योंकि इतनी बड़ी स्ट्रीम उन्होंने शायद अभी तक नहीं की थी। इसके अलावा जो 8-bit पॉटहेड है, उन्होंने 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए यूट्यूब पर, और जो एनकोर गेमिंग है उन्होंने भी कंप्लीट कर लिए 100K ऑन यूट्यूब। हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है BTR की तरफ से। तो BTR की जो लाइनअप होने वाले PMGC 2020 फाइनल्स के लिए वो रिवील हो चुकी है। जी हाँ, इस लाइनअप में एक चेंज किया गया है। इनके जो PMGC के पहले मेंबर थे लीग स्टेजेस के एलिस, इनको हेल्थ के वजह से अभी टीम से बाहर रखा गया है, और जो लिक्विड है उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया, और एक चेंज इनके स्क्वाड में हुआ है। हमारी नेक्स्ट अपडेट है हैवोक नेशन की तरफ से। तो हैवोक नेशन ने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की, जिसपे उन्होंने ये बताया कि उन्होंने मॉर्टल के साथ एक इंटरव्यू शूट की है, जो बहुत ही जल्दी हम लोग को देखने को मिलने वाला है। हमारी नेक्स्ट अपडेट है गेम ऑफ ईयर अवार्ड की तरफ से। तो टीम ने जो अपने अवार्ड्स निकाले हैं उसमें जो गेम ऑफ ईयर का अवार्ड है वो रेड डेड रिडेम्पशन 2 को दिया गया है। हमारी नेक्स्ट अपडेट है टीम एक्स पार्क की तरफ से। तो टीम एक्स पार्क के जो मेंबर्स थे वो इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे, जहाँ पर उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स की बात की। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि वो अभी करेंटली अपने जो न्यू ओनर है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो स्पॉन्सर है, उसको अभी ढूंढ रहे हैं। सभी के सभी पुणे में हैं, और ये भी कहा है कि जो सेम लाइनअप है उसी के साथ वो खेलने वाले। लाइनअप को डिस्बैंड नहीं किया है, बस जो ओनर है वो चेंज होने वाला है। इसके अलावा जो डेस्ट्रो है, उन्होंने एक मेंबर से पूछा था कि पबजी की डेट क्या होगी, तो उन्होंने ये कहा है कि फरवरी में पबजी एक्सपेक्टेड है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो है अमन की तरफ से। तो सांगवान जब स्ट्रीमिंग कर रहे थे तो उनसे पूछा गया था कि जो ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की लाइनअप है उसमें अभी तक हम लोग को अमन खेलते हुए क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो इसके ऊपर अपडेट हुए, सांगवान ने ये बताया कि जो अमन है वो ये बाहर गए हैं, इसी की वजह से वो नहीं खेल रहे, और काफ़ी जल्दी अमन भी हम लोग खेलते हुए नजर आने वाले हैं। हमारी नेक्स्ट अपडेट है दलजीत की तरफ से। तो दलजीत ने अपने स्टोरी में ये बताया कि वो अभी सिर्फ और सिर्फ वैलोरेंट की स्ट्रीमिंग करने वाले हैं, चाहे उनको कितनी वॉचिंग आए वो वैलोरेंट की स्ट्रीमिंग करेंगे, और जब पबजी मोबाइल इंडिया आ जाएगा उसके बाद वो पबजी खेलते हुए नजर आने वाले हैं। हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है घातक की तरफ से। तो घातक जो है वो बहुत ही जल्दी बूट कैंप जाने वाले हैं, उन्होंने बता दिया है, और ये कहा कि उनका काम खत्म हो गया, इसी की वजह से जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ घातक ने अपने इंस्टाग्राम बात के कॉम्पिटिशन के बारे में, और ये बताया कि हम लोगों को किसी भी चीज़ का कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहिए, अगर कॉम्पिटिशन करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ गेम प्ले का होना चाहिए। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो है मेगा स्टार्स की तरफ से। तो आपको बताया कि मेगा स्टार्स की लाइनअप डिसबैंड हो गई थी, और ये अपडेट निकल गया थी कि जो नोबल GG है वो मेगा स्टार्स की लाइनअप को हायर करने वाले। आपको बता दूँ कि अभी कन्फर्म हो चुका है कि जो मेगा स्टार्स की लाइनअप है उनको ये हायर करने वाले हैं, क्योंकि जो नोबल GG का इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे उन्होंने खुद पोस्ट डाला था बूट कैंप के ऊपर, जिसमें आप लोग देख सकते हैं जो मेगा स्टार्स के प्लेयर थे वो भी है। इसके अलावा रॉनिन प्लेस ने एक वीडियो डाला था जहाँ पर जो मेगा स्टार्स की वो लाइनअप थी उसको नोबल GG ने जब पहली बार एक्सेप्ट किया था, जब केक कटिंग हुई थी उसका वीडियो डाला था, वो भी आप देख सकते हैं, जो कंफर्म करता है कि जो मेगा स्टार्स की लाइनअप है उसको नोबल GG ने हायर कर लिया है, और जब पबजी इंडिया आ जाएगा उसके बाद जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो भी हम लोग को देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट अपडेट है SA12 के बूट कैंप की तरफ से। तो आपको बताया कि 8-bit गोल्डी ने ये बताया था कि जो SA12 का न्यू बूट कैंप है वो हम लोग को जनवरी में देखने को मिलने वाला है, जनवरी एंडिंग में। नहीं, इसके ऊपर 8-bit गोल्डी अपने स्ट्रीम में अपडेट है ये बताया कि जो 8-bit गोल्डी थे उन्होंने तो बूट कैंप को फाइनल कर लिया था, लेकिन जब मॉर्टल फाइनलाइज करने गए थे डील को, तब उन्होंने जो ओनर थे उन्होंने ये बताया कि वो जो हाउस है वो रेंट पे नहीं देना चाहते। जी हाँ, उन्होंने ये कहा है कि वो जो पूरा अपार्टमेंट था वो उसको रेंट में नहीं देना चाहते, और वो उसको सेल करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं एक स्कैम हो गया था SA12 के साथ, जहाँ पर 8-bit गोल्डी ने ये बताया कि 10 जनवरी को जो 8-bit ठग है मुंबई जाने वाले हैं, और उन्होंने ये कहा है कि वो इसी महीने में अपना जो न्यू बूट कैंप है उसमें जाने वाले हैं, और वो काफ़ी जल्दी रिवील भी हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है हाइड्रा डेंजर की तरफ से। तो हाइड्रा डेंजर जब रैंडम्स का खेल रहे जब स्ट्रीमिंग कर रहे थे तो उन्होंने एक रैंडम को ये बोला था कि वो सोल को ज्वाइन कर रहे हैं, और उनकी मॉर्टल से बात हो गई है, एक मंथ के अंदर वो
ट्रोल को ज्वाइन कर लेंगे, पर बाद में पता चला कि ये जो बात थी ये एक ट्रोलिंग थी, उन्होंने रैंडम को ट्रोल किया था, सिर्फ मजाक था, उन्होंने लास्ट में उसको क्लैरिफाई कर दिया था। नेक्स्ट अपडेट है वीडू की तरफ से। तो वीडू ने Q&A किया था अपने इंस्टाग्राम पर, पता नहीं कि उन्होंने 10 मिनट के अंदर उस Q&A को हटा दिया था, जहाँ पर उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ये था कि पबजी अनबैन होने के बाद वो कौन सी टीम में नजर आएंगे, तो उन्होंने कन्फर्म किया कि वो OR में रहने वाले हैं और वो OR को लीव नहीं करेंगे। इसके अलावा उनको पूछा गया था कि जो स्काउट है क्या उन्होंने OR को लीव कर दिया है, तो उन्होंने यस कहा है। जी हाँ, उन्होंने यस कहा है। अब इसके ऊपर फर्दर अपडेट्स तो नहीं है, लेकिन एक OR का मेंबर ही कंफर्म करे कि जो स्काउट है उन्होंने OR को लीव कर दिया, और शायद इसी के वजह से उन्होंने अपने स्टोरीज को हटाया था। इसके अलावा एक और अपडेट है OR की तरफ से, वो ये कि OR के सभी प्लेयर्स बूट कैंप में जा चुके हैं और आज जो गेमिंग प्रोमोशन है वो उसके ऊपर एक व्लॉग भी डालने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट है जॉनाथन की तरफ से। तो जॉनाथन ने रिएक्ट किया स्काउट के ऊपर, उनको एक सुपर चैट आई थी जिसमें उनको ये कहा गया था मिस द टपाटप विद स्काउट, तो इसके ऊपर रिएक्ट किया और ये कहा कि जैसे ही पबजी वापस आ जाएगा उसके बाद वो एक साथ खेलने वाले हैं। और यही था जॉनाथन का रिप्लाई जब उनको स्काउट करने पूछा गया था। तो ये तो थी आज की सारी की सारी न्यूज एंड अपडेट्स। अभी के लिए स्टूडियो के लिए मैं तब से इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।